जो अमेज़ॉन के ट्रेनर रहते हैं, तो वो ट्रेनर ज़्यादा तो उनको कुछ नॉलेज होता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, वो शेयर ज़रूर करते हैं। दोस्तों आप सभी को तो पता ही है अमेज़ॉन फ्लेक्स इंडिया में लॉन्च कब हुआ था। और दोस्तों अभी इकलौता एक कंपनी है अमेज़ॉन जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज़ को रिक्रूट करता है। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब इतनी बड़ी कंपनी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करती है, जैसे बाकी कंपनी नहीं करती, जैसे स्विगी जोमेटो ये डायरेक्ट ऑफिस में जाके आईडी बनाना पड़ता है, फ्लिपकार्ट का भी डायरेक्ट, तो वैसे अमेज़ॉन का नहीं, ये डिफरेंट कंसेप्ट उन्होंने लाया अमेज़ॉन फ्लेक्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आया था, अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ डाउट्स है, कुछ जो इनके मैनेजमेंट लेवल पे जो कमी रहती है वो मैं बताता रहता हूँ अपने वीडियो से। ओके, तो मैं यही चाहता हूँ कि अमेज़ॉन और अच्छे से अच्छे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करता हूँ। तो आपके ये मेजर डाउट रहता है कि आईडी अमेज़ॉन फ्लेक्स का कहाँ से बनाए, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो एक दो दिन में आ ही जाएगा, उसे मैं यहाँ पे आई बटन में डाल देता हूँ। अगर आप तुरंत देख रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, बाद में मैं बनाने वाला हूँ। ओके, तो आई बटन में मिल जाएगा 2 दिन बाद। और रही बात ट्रेनिंग की, तो इन जो अमेज़ॉन फ्लेक्स के डिलीवरी बॉयज़ रहते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ये मेजर डाउट होता है आपका, तो उसका जो आंसर है वो बता देता हूँ। दोस्तों आपको जैसे ही ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन में आपको कल 2 दिन बाद एक वीडियो बना के बता दूंगा, वो आई बटन में मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है, आपको कभी कभी कॉल आ जाता है जो उनके जो रहते हैं थर्ड पार्टी आईडीफाई करके, उनका अभी यहाँ पे मुंबई में है, तो उसकी मदद से ये आईडी बना रहे। तो आईडीफाई क्या करता है, आईडीफाई आपको कॉल करता है, जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको, कभी कभी वो कॉल नहीं करवाते क्योंकि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं तो कॉल नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, अमेज़ॉन फ्लेक्स के ऐप पे जाना है, जैसे ऐप पे आपको कॉल सपोर्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो कॉल सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। ओके, कॉल सपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शन पूछने जाते हैं कि जब तक कॉल लगता है तो आप डिलीवर का काम कर रहे तो 1 दबाए, नहीं कर रहे तो 2 दबाए, नहीं कर रहे आप तो नहीं कर रहे ना, अगर 2 दबाना है, जैसे 2 दबाते हो तो आपका फ्लेक्स सपोर्ट को कॉल जाएगा। तो आपके जो भी डाउट है वो बोलना है आपको कि हमें कॉल नहीं आया है आईडीफाई की तरफ से, तो आपकी आपको आईडीफाई का नंबर दे देते हैं, और आप जैसे आईडीफाई को कॉल करते हो आपका नाम पूछते हो और मोबाइल नंबर पूछते हैं ऐसा कुछ, फिर आपका वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। और जैसे ही आपको क्या करना है, बाद में आपको बुलाते हैं, तो आपको लोकेशन पूछते हो आपको कैसा कौन सा लोकेशन चाहिए, अगर 2-3 लोकेशन है तो 2-3 लोकेशन बता देंगे, एक ही है तो एक ही लोकेशन होगा, वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, जैसे आप उस लोकेशन पे पहुँचते हो तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जाना है तो जाते हो तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस लेके ही जाना है। ओके, बस इतना ही लेके जाना है, बाकी बैंक डिटेल वगैरह सब ऑनलाइन ही डालना है। तो ये सब लेके जाने के बाद वहाँ पे वो जो अमेज़ॉन के ट्रेनर रहते हैं, तो वो ट्रेनर ज़्यादा तो उनको कुछ नॉलेज होता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, वो शेयर ज़रूर करते हैं। मतलब जैसे वो अपनी अमेज़ॉन कंपनी की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, है कंपनी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोल देते हैं। और आपको अमेज़ॉन कैसे डिलीवर करनी है अमेज़ॉन की वो बताते हैं, कैसे आपको कस्टमर के साथ बात करनी है वो बताते हैं। ओके, और बाद में आपको थोड़े बहुत ज्ञान दे के फिर आपका फ़ोटो निकालेंगे वो, और सब आपके डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो निकालेंगे और छोड़ देंगे, फिर आपका 2-3 दिन बाद आईडी बन जाएगा। तो इतना स्मॉल प्रोसेस है, कुछ आपको उधर इंटरव्यू देना नहीं है, सिर्फ नाम का उधर ट्रेनिंग होता है, बाकी सब आईडी बन जाएगा, उधर कुछ क्वेश्चन के आंसर दो मत दो, आपका आईडी तुरंत बन जाता है, कुछ बड़ा काम नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आईडी बनता है, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी अमेज़ॉन ने करके दी है, तो आप इसका फ़ायदा लो। और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं ज़रूर उसके आंसर दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लेक्स की आईडी कैसे बनाने वो आपको नहीं पता है, अमेज़ॉन डिलीवरी बॉयज़ की आईडी कैसे बनते हो ऑनलाइन वो नहीं पता है, तो आई बटन पे देख लो अगर ये वीडियो आप 2 दिन बाद देख रहे हो तो। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।